नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप टमाटर जो है नर्सरी से लेके खेत में लगाने तक का आपको क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपको लगाना है। सबसे पहले आपको जो है खेत बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अपने खेत को आप 2-3 बार हल लीजिए, अच्छे से उसकी मिट्टी कर लीजिए। उसके बाद आप रो बना लेंगे इस तरह से डिस्टेंस वाइज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इतना डिस्टेंस आप अकॉर्डिंग रख सकते हो। 3 से 4 फीट की जो लाइन है उनको बना सकते हो। ये वाला बरसाती खीर टमाटर है और गर्मी में भी ऐसा ही होता है, हालांकि उसमें थोड़ी इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं उठाई जाती ऊपर हाइट, बरसात में थोड़ी ज़्यादा हाइट उठाई जाती है, क्योंकि पानी से ये होता है कि अगर जड़ों के पास पानी खड़ा रहता है तो पौधा गल जाता है। तो उसके बाद आप ये हल्का सा पेस्ट बना लेंगे, एक छोटा सा मैं फंगीसाइड का एक छोटा सा जो लाइट फंगीसाइड है उसका छोटा सा पेस्ट बना रहा हूँ, ताकि जो है इसकी जड़ें मजबूत हो सकते हैं, इसको फंगीसाइड का कोई अटैक ना हो एकदम से। जैसे हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं नर्सरी को, तो ये होता है कि उसकी जो जड़ें वगैरह थोड़ी बहुत टूट जाती हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा फंगीसाइड हम मिला लेंगे इसमें। हल्का सा घोल बना लेंगे, एक किसी भी टब में आप बना सकते हो, जिस चीज़ में आप ले जा सकते हो। तो उसके बाद हम नर्सरी के पास जाएंगे जहाँ टमाटर की नर्सरी लगाई होगी। ये वाली टमाटर की नर्सरी आपको जो दिख रही है ये 2 पत्तों की है, हालांकि इसमें लगभग 5500 से 6000 के बीच पौधे हैं, हालांकि एक पत्ते में 2500 से 3000 पौधा ही आता है आपका। तो ये वाली नर्सरी जो है सिर्फ मैं एक टमाटर की नर्सरी लेके जा रहा हूँ, लगभग 2500 से 3000 पौधे लेके जाऊँगा। तो आपने जो है इसको हल्के हाथों से निकालना एक एक करके, क्योंकि पौधा बहुत नाजुक होता है, तो ज़रा सा भी वो पिचकेगा तो वहाँ से वो ख़राब हो जाएगा। आप खेत में लगा भी दोगे उसको 1-2 दिनों में वो गल जाएगा खुद ब खुद। बिल्कुल हल्के हाथों से लेना है, आप 2-4 पौधे भी निकाल सकते हो। अगर आपको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है तो आप उसको 2-4 पौधे भी एक बार में निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप एक एक पौधा निकालें और उसको हल्के हाथों से छोटे छोटे बंडल्स बांध दें, ताकि आपको लगाने में आसानी हो बाद में जब आप खेत में लगाएं। एक बंडल में हालांकि आप 50 से 60-70 पौधे ही बांधें, उससे ज़्यादा ना बांधें, क्योंकि ये होता है कि जितना बड़ा बंडल होगा उसको आपको बांधने में भी दिक्कत होगी और हाथ में पकड़ने के लिए भी दिक्कत होगी। जैसे हाथ में आप पकड़ोगे तो आपको पता ही है जो भी उसके साइड के जो भी पौधे होंगे वो मसल जाएंगे, जितना बड़ा बंडल होगा हाथ में पकड़ने में भी दिक्कत होगी। तो हल्का बंडल लें आप और उसको जो है उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो घोल बनाया हुआ उसमें 5-10-15 सेकंड के लिए उसको डिप कर दें और थोड़ा हिला दें, उसकी जड़ों से जो मिट्टी है निकल जाए और वो थोड़ा सा सोख कर ले। अगर आप नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला ट्रीटमेंट कर ही लें, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मिल जाती है इससे। और उसके बाद आपने जो बंडल लगाएंगे उनको साइड में रख देंगे। अगर आपका खेत थोड़ा दूर है, मतलब टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लगभग 2 से 2500 पौधे लगाने के लिए अगर एक या दो बंदे हैं तो उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और ये तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो है उसको थोड़ा पानी में डिप करके ही रखना है थोड़ी थोड़ी जड़ों को, ताकि वो मुरझाए ना। हालांकि मुरझा तो जाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए वो मुरझाएंगे थोड़े बहुत, पर थोड़ा उनको पानी दे रखें और उसके बाद आप उनको खेत में ले जाएं। और इसको जो है आप एक बराबर रखें, हालांकि ज़्यादा इकट्ठा ना करें इनको, जितना दूर हो सके जितना आप खुले में रख सकें उस तरह से इनको जो है इकट्ठा करके एक टब में आप ले जा सकते हैं। और उसके बाद जब आप खेत पहुंच जाएंगे वहां पे आप इनको हल्के हाथों से जो भी बंडल बांधे होंगे उनको धीरे धीरे खोलेंगे। ज़्यादा आपको इसमें हड़बड़ाहट और फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी तसल्ली और धीरे से आप काम करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। उसके बाद आपने जो है खेत में इनको हल्के हाथों से पहले एक उंगली से उसमें पहले ज़मीन में जो है हल्का सा छेद कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने साथ में ही डाल दिया तो वो रगड़ लग सकती है और टूट जाएगा। पहले एक हल्का सा छेद कर लीजिए या फिर थोड़े कम अपने हाथ में पकड़िए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रगड़ सकते हैं आपके हाथों में, अगर आपने ज़्यादा टमाटर पकड़े होंगे तो थोड़े कम पकड़िए। और उसके बाद एक हाथ से जो है उसमें हल्की सी एक उंगली से आप छेद करेंगे, लगभग 3 इंच तक काफ़ी होगा। आपकी नर्सरी के अकॉर्डिंग वो मैटर करता है कि आपकी जो नर्सरी हो कितनी लंबी है टमाटर की। अगर 5-6 इंच का है तो आप लगभग उसको आधा जो है मिट्टी के अंदर दबा दें और बिल्कुल हल्के हाथों से उसको अंदर डालें और थोड़ा सा उसके बाहर से जो मिट्टी थोड़ी टाइट कर दें, ताकि हवा उसमें ना जाए और अच्छे से वो मिट्टी के साथ जो है अटैच हो जाए और उसको जो है जड़े पकड़ने में आसानी हो और जल्दी से वो नरिशमेंट लेके आपका जो है पौधा अच्छे से तैयार हो सके और बड़ा हो सके। तो इसी तरह से आपने जितनी भी रोज़ है उनके टॉप पे लगाना है, उसको लगभग अपने अकॉर्डिंगली डिस्टेंस 5-10-15 इंच के दूरी पे आपने लगा लेना है। और खेत जो है आपका उसमें जो है ये बरसाती है, तो हमने जैसे ही आज सुबह ही बारिश हुई थी और रात को ही बारिश हुई थी, तो उसके बाद हम जो है इसको लगभग 3 या 4 बजे के बाद हम इसको लगा रहे हैं। तो हम इसे ऐसा ही करें कि शाम के वक्त ही आप टमाटर लगाएं खेत में। अगर सुबह बड़े ही कम
वक्त होता है जब लगाएं, अगर पूरा दिन बादल रहता है तब आप सुबह भी लगा सकते हो टमाटर, क्योंकि ये होता है जैसे आप लगाएंगे तो कुछ धूप से जो है मुरझा जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं एकदम से ही, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है टमाटर। तो इसलिए जो है शाम का टाइम बहुत अच्छा प्रेफर माना जाता है, क्योंकि रात को जो है बिल्कुल ठंडा होता है और आपका टमाटर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ता है और सुबह तक आपका टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है। और इस तरह से आपने जो है पूरे के पूरे खेत में लगा लेना है, जितने भी आप लगा सकते हो, जितना आपका पौधा लाए हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है खेत में लगा सकते हो। और लगाने के बाद ये कुछ बैंड हो जाएंगे, आप चाहे कितना ही इन्हें खड़ा कीजिए, हालांकि ये बिल्कुल सीधे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जाता है तो हर चीज़ को वक्त लगता है वहाँ स्टेबल होने के लिए। अगर आप भी अपना घर छोड़ के कहीं और दूसरी जगह जाते हो तो आपको भी लगभग 2-4 महीने वहाँ पे घुलने मिलने में लग जाते हैं स्टेबल होने में। तो उसी तरह से पौधे को भी 3 से 4 दिन, लगभग 3 दिन तो स्टेबल होने में लग ही जाते हैं। और नेक्स्ट डे जैसे ही धूप लगती है सुबह, तो आपके सारे के सारे पौधे मुरझा जाएंगे और ज़मीन में पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये ना समझें कि ये सूख गए, इनको वक्त लगेगा, पूरा दिन ये लेटे रहेंगे और शाम होने के बाद रात को ये अगले दिन आप जब देखोगे तो बिल्कुल पूरे के पूरे पौधे जो आपके हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे। हालांकि ये प्रोसीजर 2 दिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 दिन। आप ये ना समझें कि आपके पौधे सूख गए बिल्कुल। तो जिस तरह से आप नेक्स्ट डे सुबह देखिए, आप किस तरह से देखेंगे कि पौधे के पूरे जो हैं खड़े हैं बिल्कुल स्ट्रेट, इनका बहुत अच्छा आपको देखने में लग रहा है कि कितने अच्छे से, हमारे यहाँ सलाई का कहा जाता है कि बहुत अच्छा पौधा है, बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ा हुआ है। पूरे खेत में आपको नज़र आ रहा है कि सारे के सारे पौधे अच्छे से खड़े हो चुके हैं। हालांकि ये भी अभी गिरेंगे नेक्स्ट डे, होता है ऐसा जब धूप लगती है तो पौधा थोड़ा मुरझा जाता है और गिर जाता है, तो वो दोबारा नेक्स्ट डे उड़ जाता है। 2 से 3 दिन ऐसा होता है और आपका पौधा जो है फिर मजबूती से जड़ें पकड़ना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे जो है पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।